हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मल्ली चाला रोजल तरवा मन की बैजू संस्था नीचे आर वाराल ट्रैनिंग इच्छी तरह जॉब प्लेसमेंट इतनी सों ऊर् उठू मैसे जॉबु अप्लाईसको वितिन वन डेते काल रव जरूर ट्रैनी 37,500 रूपीस अच्छे पे चार वन मन की 6 वीक्स मन की ट्रैनी कंप्लीट तरह 50,000 रूपी वरुक मनक वस्तु कंप्लीट डीटेल एक्सप्लेन अप्लाई काबी स्कि वरुक चूँगी अलग वीडियो चूस्त चाल मत लाइक प्रति लाइक सपोर्ट मोटिवेशन का उंडी मरको वीडियोस पोस्ट मे प्रयत्ना चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन एक्टिवेट। सो फ्रेंड्स, इक मन चूड़ो बैजूस की संबंधी ऑफिशियल साइट मन की नोटिफिकेशन स्पॉट बीडीटी न्यू सिटीजन से मन की 895 वैकेंसीज नोटिफिकेशन द्वारा भर्ती चेस्तुन्नारु। 5 डेज़ बैक और वीडियो अच्छे पोस्ट चाल मंदिर सेलेक्ट अयारु अप्लाई सेलेक्ट अवकाश उठाई प्रॉपर का अप्लाई चाहिए अलगे वाले इंटरव्यू क्वेश्चन जो वाटर प्रॉपर का खचित सेलेक्शन जरूर फ्रेंड्स। दी संबंधी फ्रेशर कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स इधर अप्लाई। सो वीट की संबंधी लोकेशन चूपी ऊर्जा लोकेशन उन्ट ऐक्चुअल असल बैजूस अंतर तेसा उसे स्टूडेंट्स उठर वाली ऑनलाइन क्लास मटेरियल ऑनलाइन मॉक टेस्ट वीलते कंडक्ट उ मन के सो ये सो मन के स्टार्टिंग ट्रेनिंग इच्छी तरह 6 वीक्स सो दी संबंधी मन के जॉब अच्छे इवेदम जरूरत यह ट्रेनिंग वे सर मन की 2 फेजेस उपेजे। सो फर्स्ट वन मन की 2 वीक्स वे सर की क्लास रूम ट्रेनिंग अत मिगता 4 वीक्स वे सर की आन द जॉब ट्रेनिंग अतजे दी संबंधी मन की स्टाइफंड इतनी ट्रेनिंग पीरियड अभी चूपान चूड़ा स्टाइफंड फॉर द टोटल 6 वीक्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज 37,500 रूपीस अच्छे मेंशन अच्छे चयन जरिए। सो 6 वीक्स अ तरह 37,500 रूपीस इच्छा जरूरत। सो मैं जॉब नचलेदन कनक ट्रेनिंग अर्वाद माने प्रॉब्लम अत बट मन की इंत सैलरी वस्तु मनमें प्रॉब्लम अत फ्रेंड्स अच्छे मन की जॉब में मन के सैलरी इतारे परशील टोटल मन की 6 लाख पर एनम अच्छे उ फिक्स्ड सैलरी वे सर की 7 लाख पर एनम अच्छे फिक्स्ड सैलरी उन्न। सो मेर सेल्स चयकपोना फिक्स्ड सैलरी अभी 7 लाख पर एनम अटी अंत मनमेंट पेरेंट्स एवरो वाल संबंधी मनमे बैजूस की संबंधी एवं वीलू आफर इवन मन पेरेंट्स की वीलू एक्सप्लेन चाहिए मन ऊर्जा। सो अदन ऐक्चुअल सो अंतका मे द्वारा एवरना जॉन अको बैजूस की संबंधी अब अप टू 3 लाख पर एनम इनसेंट्स अत वस्तायन। सो आधा मन की 10 लाख पर एनम सैलरी उ फ्रेंड्स ओके ना। सो विधा उसे मन की सो दी संबंधी मिनिमम मन की ग्रेजुएशन अच्छे कंप्लीट उपड़म जरूरत फ्रेंड्स। अच्छे दी संबंधी मन की फेज वन क्लास रूम ट्रेनिंग एद फस्ट 2 वीक्स मैं सीआरटी उन्मा क्लास रूम ट्रेनिंग अत उ। सो वन एवरते 2 वीक्स क्लास रूम ट्रेनिंग अने अटैंड वाल प्रॉपर ने वालू मतमे फेज 2 अने आन द जॉब ट्रेनिंग अच्छे वालू सेलेक्ट अवे जरूरत मेन चूड़ा ओनली द कैंडिडेट्स हू सैटिस्फैक्टरली कंप्लीट द सीआरटी फेज विल बी गिवन एन ऑपर्चुनिटी टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट फेज ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इनकेस 2 वीक्स चूसर नच्चन अब माने अब सैलरी अनेवरें ओके ना। 6 वीक्स एवरते चस्ो वाले 37,500 रूपीस वस्तम फेज 2 की संबंधी आन द जॉब ट्रेनिंग वे मन की। सो मिगता मिगता 4 वीक्स मैं चूड़ा 3rd वीक मन स्टार्टनजे इक मरोकसार मन क्लियर इच्छी अप्लिकेंट्स हू आर् क्लीयरिंग फेज 1 सीआरटी विल ओनली बी एलिजिबल फर् फेज 2 प्रोग्राम अंपेस्तर इनकेस फेज 1 अने 2 वीक्स सर पर्फॉम चयन अब सो वाली डिस्मिसल फ्रेंड्स ओके ना। सो इत ओवरऑल मन की नोटिफिकेशन संबंधी डीटेल्स इप्ड दी विधि अप्लाई चुपता डिस्क्रिप्शन लिंक इच्छा कदा ओपन चुस्कोनी टापे अप्लाई उसे क्लीको क्ली फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर टोटल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दर जीरो नॉट इश्यू। सो तरह इकड सिटी अप्लाइंग फॉर इक मन की सिटीस इच्छार मेंशन सिटी अने पेवन इक मन की चला सिटीस उ सो मैं नचने सिटी अच्छे मेन।
తర్వాత మనకి 12th క్లాస్ పర్సంటేజ్ 10th క్లాస్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇచ్చేసండి. తర్వాత మనకి హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, బిఈ బీటెక్, సో ఎంబీఏ, లేకపోతే మీరు ఓన్లీ డిగ్రీ చేశారనుకోండి అదర్స్ అని చెప్పేసి పెట్టేసండి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా పెట్టేసిన తర్వాత ఇయర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్, సో ఇయర్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. 2014 నుంచి ఎవరైతే పాస్అవుట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో కరెంట్ కంపెనీ దగ్గర మీరు ఏం చేయండి అంటే ఈ విధంగా ఎన్ఏ అని చెప్పేసి పెట్టండి. ఓకే, నాట్ అప్లికేబుల్ అని చెప్పేసి. కరెంట్ డెసిగ్నేషన్ దగ్గర స్టూడెంట్ కానీ ఫ్రెషర్ కానీ ఏదో పెట్టేసేయండి. తర్వాత కరెంట్ సిటీసీ దగ్గర చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫ్రెషర్ నాట్ అప్లికేబుల్ అని చెప్పేసి పెట్టండి. తర్వాత రెజ్యూమ్ అనేది పెట్టిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ రీడ్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి రెజ్యూమ్ అనేది 3 MB లోపు మాత్రమే ఉండాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మనకి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రెజ్యూమ్ అని చెప్పేసి వచ్చినట్లయితే ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు మీరు అప్లై చేసినట్లే. సో ఆ విధంగా వస్తేనే మీకు అప్లై చేసినట్లు. సో ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్గా అప్లై చేశారు కదా, ప్రీవియస్గా అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆ విధంగానే వస్తుంది. ఇన్ కేస్ కొత్త వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నట్లయితే మీకు సక్సెస్ఫుల్లీ అప్లైడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.